Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. दस जहाँ दे एक किलोमीटर है तो नेता आवे बूट मांगे पता आवे कोई पौनी वोनी क्या कहीं समाधान करे समझ से करा था रविंद्र भाटी क्या तो हमें रविंद्र भाटी हाँ क्यों की है वो माँ उगम क्या है रविंद्र भाटी के पानी ले आ से नहर में आ से तो पहले बीजेपी कांग्रेस का घरे नेता था नहीं पहला था तो रिडिन पाउंड ले भरा गया जीते भरा रविंदर सिंह भाटी भाई प्रेम 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 पीछे क्या लगाते हो राम अच्छा क्या कौन सी गांव है गांव पांडी का पार तो ऐसा क्या है रविंदर में रविंदर अच्छा आदमी है वो हमारी सब कुछ करता है रविंदर सिंह भाटी नया रहता क्या हुआ नया रहता सबने दिखा दिया ना तो सब लोग कांग्रेस है बीजेपी पहले भी बन चुकी है ना 10 साल पहले भी बन चुकी है उसने कुछ किया क्या हमारे लिए कुछ नहीं किया कैसे नहीं किया यार अब इतनी सारी सरकार ये देखो ना ये ओवर ब्रिज जो है ये देखो क्या पुलिया बना हुआ है किसने बनाया बनाया मोदी किसने बनाया मोदी बनाया क्या हुआ भाई मोदी ने बनाया कुछ ऐसा हमारे पर भार नहीं किया उसने हाँ उसने क्या किया बताओ ना रविंदर क्या कर लेगा रविंद्र करेगा आगे देखते हैं क्या करेगा वो युवा नेता है आपको नहीं लगता कि शिव के अंदर रविंद्र को थोड़ी तपस्या करनी चाहिए कुछ नहीं बढ़िया अच्छा वो आदमी है तो है रविंद्र युवा नेता हमारे लिए सबके लिए पहले आप किसको वोट देते थे कौन सी पार्टी में थे हम तो बीजेपी में थे बीजेपी में तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया पहले किया था इस 5 साल कुछ विकास नहीं किया अच्छा जाति के फैक्टर पे उसने काम किया कोई विकास के बारे में काम नहीं किया अच्छा क्या मंत्री जी यहाँ कैलाश जी है ना मंत्री कैलाश जी मंत्री थे उन्होंने काम जमीन स्तर पे किए बड़े काम किए कुछ युवाओं के लिए क्या हो उसके मन रूठ गया बीजेपी से युवाओं का इस बार क्या लग रहा है इस बार लग रहा उम्मीद है उम्मीद आराम बेनी बात की उम्मीद लग रही टक्कर किसके बीच में टक्कर लगभग बाकी फाइनल से बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी बीजेपी और कांग्रेस की कुछ लोग कुछ देखो भावना लोग मेरे भावना से मैं कह रहा हूँ भावना मैं भावना से कह रहे अच्छा, लोग बाकी फैक्टर से काम पार्टी देखी पार्टी देखते हैं पार्टी अच्छा अच्छा कर रही है इस बार क्या लग रहा है चुनाव में अच्छा लग रहा कौन है बीजेपी 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 है जी हाँ अच्छा बीजेपी है अच्छा है बीजेपी का माहौल बिल्कुल अच्छा क्या लग रहा है टक्कर किसके बीच में रविंदर का बीजेपी की रविंदर और बीजेपी की टक्कर अच्छा क्या कैलाश जी ने कामकाज किया गांव में बहुत अच्छा काम किया नमस्कार साथियों मैं आपका साथी दिनेश वोरा चुनावी यात्रा का लगातार दौर जारी है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से जाने के उनके मन के अंदर क्या है लोग क्या सोचते हैं इस बार का जो यह कड़ा मुकाबला है तीनों के बीच के कैलाश चौधरी उमेदाराम बेनीवाल रविंदर सिंह भाटी की अभी सभा है हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर बाद में यहां पर पहुंचने वाले हैं उससे पहले जहां मैं खड़ा हूं ये गागरिया इलाका है जहां पर अल्पसंख्यक SC या बाकी जो है वो बड़े वोट बैंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है बहुत सारे युवा भी मौजूद है और बहुत सारे यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे उनके मन के अंदर क्या है वो क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे अच्छा क्या नाम है आपका मेरा नाम गुलाम गुलाम जी चुनाव का माहौल है इस बार किसका पलड़ा भारी लगता है रविंद्र सिंह भाटी क्या मतलब क्यों ऐसा क्यों युवा नेता है युवा नेता है तो युवा तो बाकी भी है उमेदवार मेनीवाल भी है वो नहीं है रविंदर जी है अच्छा क्या ऐसी क्या उस लड़के पे निर्दलीय है क्या कर देगा कांग्रेस कोई काम नहीं किया है कांग्रेस ने काम नहीं किया है अच्छा पानी हालत खराब है पानी की हालत तो आपको लगता है निर्दलीय कुछ कर पाएगा अच्छा उसने तीन आपको नहीं लगता कि वो अभी विधायक चुना गया था अभी उसे थोड़ा इंतजार करना था शिव की जनता की सेवा करनी थी सेवा तो अभी करेगी अभी करेगी अच्छा तो ऐसा उसमें क्या है लोग क्यों उसके पीछे इस तरीके है नवा नेता है कोई भी सुविधा करेगा अच्छा सुविधा करेगा ऐसा तो नहीं वादा करके चुनाव नेता नहीं आते ना ऐसे वादे करते हैं आदमी फ्रेश है एकदम फ्रेश आदमी फ्रेश अच्छा हाँ वो ठग आदमी भी जाए कांग्रेस और बीजेपी वो ये फ्रेश आदमी हाँ अच्छा तो यहाँ क्या बाकी लोग क्या मन है बाकी लोग यह रव साहब अभी जो कुछ नहीं है रविंद्र ही अच्छा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में बढ़िया कौन जीत रहा है यहाँ पर रविंद्र भाटी अच्छा क्या लग रहा है क्यों उसका क्यों इतना क्रेज है इस इलाके के अंदर वह मीना सोना में सोगी ये में सोगी भिड़ाई को नीति बात है आप भी विजय समझाएंगे ना तो बाकी नेता आप थोन को लगे नया नया नेता वादा करे यही वादा करे पांचों को ना से ना कम क्या वो फाइनल है अच्छा
और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये लगता है रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक है, तो इससे और ज्यादा थोड़ा लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं तमाम तरीके से। क्या नाम है सर आपका? गणपत। क्या काम करते हैं आप? सिलाई का। सिलाई, कैसा काम काज कैसा है? ठीक है। ठीक है, मंदा चल रहा मार्केट। मंदा। मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला युवाओं को? कुछ मिला नहीं युवाओं को? कुछ 2000 रुपए खाते में किसी और के आते, बाकी कुछ युवाओं को कुछ नहीं मिला। युवाओं को कुछ आशा थी, कुछ मिला नहीं। अच्छा, तो सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं की है, जैसे आप गांव के अंदर रहते हो, गांव के अंदर शौचालय होगा, मक्का पक्का मकान होगा, बाकी भी होगा। क्या शौचालय पहले मिले थे, अभी मिले थे? कोई नए युवा कोई घर गृहस्थी है दारू उसको मिले नहीं, पहले मिले अभी नहीं मिले। तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया? पहले किया था, इस 5 साल कुछ विकास नहीं किया। अच्छा, जाति के फैक्टर पर उसने काम किया, कोई विकास के बारे में काम नहीं किया। अच्छा, क्या मंत्री जी यहाँ कैलाश जी है ना मंत्री? कैलाश जी मंत्री थे, उन्होंने काम जमीन स्तर पे किए, बड़े काम किए, कुछ युवाओं के लिए क्या हो, उसके मन रूठ गया बीजेपी से युवाओं का। इस बार क्या लग रहा है? इस बार लग रहा है उम्मीद है, उम्मीद आराम बेनीवाल राम जी की है, लग रही, उम्मीद लग रही है। टक्कर किसके बीच में? टक्कर लगभग बाकी फाइनल से बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस की, कुछ लोग कुछ देखो भावना, लोग मेरे भावना से, मैं कह रहा हूँ भावना, मैं भावना से कह रहे, लोग बाकी फैक्टर से काम पार्टी देखी, पार्टी देखते हैं पार्टी। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों से भी ये आप देखिए उम्मीदवार राम बेनीवाल के बारे में बता दे। अरे आप यार प्लीज यार ऐसे साइड में आ जाइए सर। भाटी ना वोट है तो भाटी है, जैसे इनकी है। अच्छा, क्या नाम है? रविंद्र सिंह भाटी भाई। प्रेम 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 पीछे क्या लगाते हो? राम। अच्छा, क्या कौन सी गांव है? गांव पांडी का पार। तो ऐसा क्या है रविंद्र में? रविंद्र अच्छा आदमी है, वो हमारी सब कुछ करता है। रविंद्र सिंह भाटी ऐसा नहीं, नया नेता वादा कर रहा है, नया नेता क्या हुआ, नया नेता सबने दिखा दिया ना, वो सब लोग कांग्रेस से बीजेपी पहले भी बन चुकी है ना, 10 साल पहले भी बन चुकी है, उसने कुछ किया क्या? हमारे लिए कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया यार, आप इतनी सारी सरकार, ये देखो ना ये ओवर ब्रिज जो है, ये देखो क्या पुलिया बना, मोदी सरकार ने बनाया, मोदी किसने बनाया? मोदी बनाया तो क्या हुआ भाई, मोदी ने बनाया कुछ ऐसा, हमारे पर भार नहीं किया उसने। हाँ, उसने क्या किया बताओ ना? रविंद्र क्या कर लेगा? रविंद्र करेगा, आगे देखते हैं क्या करेगा, वो युवा नेता है। आपको नहीं लगता कि शिव के अंदर रविंद्र को थोड़ी तपस्या करनी चाहिए थी? कुछ नहीं, बढ़िया अच्छा वो आदमी है तो है, युवा नेता हमारे लिए सबके लिए। पहले आप किसको वोट देते थे, किसको, मतलब किस कौन सी पार्टी में थे? हम तो बीजेपी में थे। बीजेपी में थे जी। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा और भी कुछ लोगों से बातचीत करें, कौन उम्मीदों की उम्मीद कहाँ है? उम्मीदों की उम्मीद से भी बातचीत करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो महिलाओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे। अच्छा बाबा, बाबा क्या नाम है आपका? वीरा राम नाम है। क्या यहाँ कौन सा गाँव है आपका? कटले गाँव है। अच्छा, उस गाँव के अंदर क्या कोई समस्या वमस्या है? समस्या खूब है साहब। क्या है? पानी की समस्या है। पानी की, तो पानी मोदी सरकार ने वो हर घर नल योजना पहुंची? नहीं नहीं बची, नहीं बची, पानी नहीं पहुंचा? नहीं, सरकार तो कहती है कि हमने कोशिश किया है, कोशिश कर रही है। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? अच्छा लग रहा है। कौन है? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी है जी। अच्छा बीजेपी है, अच्छा है बीजेपी का माहौल, बिल्कुल। अच्छा क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच में? क्या टक्कर किसके बीच में? रविंद्र का बीजेपी की। रविंद्र और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा क्या कैलाश जी ने काम काज किया गाँव में? बहुत अच्छे काम किए। अच्छा ये देखिए, आप देखिए, बाबा क्या नाम है आपका? जुम्मा खान। क्या जो सरकार की योजनाएं होती है गांव ढाणी में पहुंचती है? क्या लाभ मिला सरकार की? ना, क्या समस्या है? क्या है समस्या है? पानी दिए। तो नेता पानी के लिए, यार एक बार पानी की समस्या तो लंबे समय से समाधान क्यों नहीं हो पाता है? अपन की बताओ। अच्छा क्या जीते जीते रहे, बचा आए को बचावे को नहीं? अच्छा कोई को ना कोई इतना कोई को बार की लगे ये भाटी भाटी क्यों ऐड की है? वो जेड़ो जुआ है नो है दबे जना में बाउंड में जिको जोग है, बाउंड दे जना है जिको जोग ना, तो जोग तो है पर निर्दलीय की कर से, निर्दलीय कुल कर से और कम थे। वो कांग्रेस बीजेपी तो उनको लगे मोटी पार्टी हो, बढ़िया मोटे आए तो दे दे चला दे 40 साल देना और 40 साल दीदा। अच्छा कांग्रेस वाला तंबू बे ताने मार पैसा ले बचा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये लगता है भाटी के बड़े यहां पर। अरे यार चुप रहो यार, आप लोग बैठो, बात करने दो, फालतू पंचायत मत करो आप यार, ऐसे मत करो। अच्छा माँ, ओ माँ, गाँव में की समस्या है? समस्या घनी है। की है? पानी की समस्या है। पानी आता है? हाँ। कहाँ से लाना पड़ता है, क्या होता है? होता है तड़ाम ले आऊं।
सुबह में कितना घंटा लगे? 10 जहाँ 1 किलोमीटर है। तो नेता आवे वोट मांगे पता आवे कोई पानी वानी क्या कहीं समाधान करे? समस्या कह रहा था रविंद्र भाटी क्या तो हमें रविंद्र भाटी हाँ क्यों की है वो उगम क्या है रविंद्र भाटी के पानी ले आसा नहर में आसा तो पहले बीजेपी कांग्रेस का घरे नेता आता नहीं तो ये लाता तो इंडियन बाउंड ले बरा गया जीतिया बरा हाँ तो हमें ने तो रविंद्र यो कौन करे रविंद्र ही करे वन क्या तो ही करा वन बच्चे कर से तो पता नहीं अच्छा अच्छा तो थारो कर्म हर घर नल योजना नल पुगो पानी पाइपलाइन पुगी हाँ अच्छा वो पानी आवे पानी आए तो कम आए तो पानी कम आवे हाँ अच्छा कितने दिनों में आवे आए 10 दिन 10 दिनों में हाँ आप देखिए उस जो सरकार की योजना है वो बकायदा कौन सा गाँव है आपका कंटल का पार कंटल का पार अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और भी कुछ लोगों से बातचीत करें यार है यार अरे ओ भैया ऐसा मत करो यार देखो आप बात करने दो लोगों से बातचीत करने दो रुक जाओ थोड़ा सा हम लोग क्या है कि और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं अच्छा क्या नाम है साहब आपका साधु राम अच्छा क्या इस बार क्या लग रहा है चुनावों का जोर है किसका बाटी 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 है? हाँ। क्या है बाटी में ऐसा है पता नहीं ये कवल की पता बोली आपको नहीं लगता कि भाई निर्दलीय है क्या कर पाएगा भाई यार आप दो नंबर को बात करने दो ठीक है ना आप ठीक है क्या लग रहा है इस बार कामकाज वगैरह हुआ है मोदी सरकार ने 5 सालों में ना ऐसा कहीं होती अच्छा कामकाज नहीं हुआ है खुश नहीं हो आप सरकार लाइट हुई सर मिली 50 आदमी पड़े लाइट ही कोई पानी हर घर नल योजना और पानी पुगो पाइप अच्छा कहीं हुआ है पाइप नहीं पहुंचा आपके पास कौन सा काम है आपका पानी और लाइट नहीं मोनी कौन सा काम है आपका सीआई के पास में ढाणी अच्छा तो वहाँ ये योजना नहीं पहुंची नहीं पानी लाइन चल रहे हैं लेकिन वो है नहीं पॉइंट नहीं दिया कनेक्शन नहीं दिया नहीं तो अच्छा इस बार क्या लग रहा है चुनाव जोरदार किसका रविंद्र सिंह भाटी का क्यों क्या है यार जोरदार चल रहा है यार ये तो थोड़ा सा आप इधर आओ थोड़े लोगों से बातचीत करने दो यार आम लोगों से बातचीत करने दो हमें अब यार देखो यार आप देखिए आप बोलो मत प्लीज माँ की नाम है खतिया माँ गाँव में पानी की समस्या है कहीं की समस्या है समस्या है गांव में कहीं ए तो बरो की ये समस्या है पानी है कोनी हां कोनी आई कोनी कोनी पाइप आयो कोनी हां अच्छा तो वोट लेने वाला नेता आया नेता आज जान को आया ना आया तुम देसो वोट अच्छा आया जदे देसो हां ठीक है ये तो वोट क्या है माताजी को पता नहीं है कि कौन है बाकी भी एक तो यार ये आप लोग यार 2 मिनट बैठ जाओ यार बातचीत करने दो यार लोगों से यार महिलाओं से बातचीत करने दो अच्छा माँ की नाम है थोड़ा नाम की है गांव में समस्या है कुछ समरी गांव में क्या समस्या है कोई समस्या है कोई दिक्कत है कोई परेशानी कहनी समस्या गांव में समस्या कहनी है कहीं कोई पानी वाणी कहीं कोई कोनी आई कोनी नेता वोट लेने आवे हां ना ठीक है पता नहीं अच्छा ठीक है और भी कुछ समझदार है अच्छा क्या नाम है आपका नाम कमला अच्छा यहां क्या आपकी दुकान है हां सर कैसी दुकान कामकाज कैसा चल रहा है ठीक चले हाँ तो आप कहाँ पर यहाँ पर कितने टाइम हो गया आपको काम करते हुए यहाँ काम करते ना मैं गणेश 40 साल हुआ है 40 साल हो गए हाँ सर अच्छा यही गांव इसी गांव के रहने वाले हाँ अच्छा क्या लगता है इस गांव के अंदर क्या समस्या है क्या लग रहा है समस्या तो पानी तो की देखने नहीं गए पानी देखने नहीं गए हाँ अच्छा तो नेता जब आते इधर नेता तो आवे ही जाए हमें अच्छा की गए पानी ले आसा अजाद को लाया इतने साल हमको लाए कौन हाँ अजाद को आयो ये बार भी हमें चुनाव है नेता वोट मांगने आया और तो मांगे जकान देशान पानी लाए जकान कौन लागे थन की लागे कौन लाए मैं तो क्लास लाया है उम्मीदवार हम लाया रविंद्र मैं तो रविंद्र सिंह देसा क्यों की है वो मेडो हम ठान के जको है दुनिया के जिक्र मैं क्या दुनिया के रविंद्र सिंह ने देसा मैं रविंद्र सिंह देसा अच्छा पहले कौन देता वोट पहली मां तो रविंद्र सिंह दिना अच्छा वो पहले जिक टाइम वो चुनाव हुआ वो टाइम हाथ मिलाता फूल मिलाता बेटा मैं तो फूल बेड़ा जीता के टाल मने हेंग ठा हां मैं बीजेपी जीता ठीक ई बार क्यों पलटे ई बार पलटा पानी ले आसे जदे पलटा नहीं अच्छा लगे उम्मीद है हां उम्मीद है जीत से तो कोनी के रविंद्र नया नेता है बादो करे ना जीत से रविंद्र सिंह हां सा अच्छा ना नया नेता है नेता नया आती वादा किया पर पाछा ही कोनी आया ना वादा यार पक्का है हां सा पता नहीं क्या उम्मीद है इनसे रविंद्र आप देखिए यार मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं गांव ढाणी के अंदर जाने की पता नहीं अच्छा और भी लोगों से बातचीत करते हैं कौन है क्या है
ये सब रविंदर की रैली है तो उसके लिए यहाँ पर। अच्छा सर इधर आइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या सर? अच्छा बातचीत नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी तमाम जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं रैली के अंदर ये। अच्छा ये बैठे हैं, ये बैठे इनसे बातचीत कुछ। बाबा क्या नाम है आपका? दूरा। अच्छा क्या स्थिति है? अच्छी है। क्या चुनाव का क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। किसके साथ में? रविंदर। रविंदर के साथ। क्या है उस छोरे के अंदर? पता नहीं रविंदर का क्या है? पता नहीं मैंने। अच्छा है। अच्छा है, अच्छा माहौल चल रहा है। नहीं तो वो क्या कर देगा ऐसा? मैंने करता है क्या है डेलिंग। अच्छा ठीक है, अब यहाँ लगता है कि एक तरफा कुल मिलाकर आप देखिए ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है, कोई समस्या है तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग पानी के लिए चाहे गांव में चले जाइए, ढाणी में चले जाइए, बोट के हिसाब से आप देखिए तमाम लोन पे पानी आयो था तमाम खारो पानी बड़ी समस्या 15 दिन घंटों एक चले रही। आप देखिए तमाम जो लोगों की राय थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की, महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की और बुजुर्गों से बात की। दिनेश बोल आप बाद में राजस्थान तक।